नमस्कार दोस्तों, चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डीडी फ्रीडिश पर 1 दिसंबर से सोनी पल और कलर रिश्ते चैनल ऐड होने जा रहे हैं। और दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें कि ये दोनों चैनल कौन से स्लॉट पर ऐड होंगे, कौन से स्लॉट पे आएंगे, तो इसके बारे में आप सभी लोगों को पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आप सभी लोगों को डीडी फ्रीडिश से जुड़ी हुई अपडेट सबसे पहले हमारे वीडियो के द्वारा मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों डीडी फ्रीडिश के दर्शकों ने जब से ये सुना है कि डीडी फ्रीडिश पर 1 दिसंबर से सोनी पल चैनल और कलर रिश्ते चैनल आने वाले हैं, तो दोस्तों उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर हैं, ऐसे हमारे सब्सक्राइबर हैं, जिनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि क्या वाकई में सोनी पल चैनल और कलर रिश्ते चैनल डीडी फ्रीडिश पर 1 दिसंबर से आने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों को एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि इन दोनों चैनल सोनी पल कलर रिश्ते, इन दोनों चैनल ने 63 ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके और सक्सेसफुली स्लॉट जीत लिया है। और 1 दिसंबर से डीडी फ्रीडिश पर 100% ऐड होने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप लोग एकदम कंफर्म हो जाइए कि ये दोनों चैनल आप सभी लोगों को डीडी फ्रीडिश पर और एमपीजी 2 बॉक्स में 1 दिसंबर से देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि सोनी पल और कलर रिश्ते ये दोनों चैनल एमपीजी 2 बॉक्स के किस स्लॉट पे आएंगे, क्योंकि दोस्तों जिस समय ये दोनों चैनल की वजह से 63 ऑक्शन प्रसार भारती ने रखा था, उस समय एमपीजी 2 बॉक्स में कोई भी स्लॉट खाली नहीं था। लेकिन डीडी फ्रीडिश के दर्शकों को एकाएक सरप्राइज देके प्रसार भारती ने 63 ऑक्शन का अनाउंसमेंट किया। उसी समय दोस्तों मैंने आप सभी लोगों को बता दिया था कि अगर स्लॉट खाली नहीं है और स्लॉट खाली न होने के बाद भी प्रसार भारती अगर 63 ऑक्शन करने जा रहा है, तो दोस्तों आपके पसंदीदा चैनल 100% आने वाले हैं। और दोस्तों उस समय प्रसार भारती ने नए टेस्ट स्लॉट 319 और 320 ऐड करने का प्लान बनाया था, लेकिन दोस्तों 63 ऑक्शन के दौरान ही एमपीजी 2 बॉक्स से अतरंगी चैनल रिमूव हुआ, जिसकी वजह से एमपीजी 2 बॉक्स में एक स्लॉट खाली हो गया। तो दोस्तों जो एक स्लॉट खाली हुआ है, उस स्लॉट पे या तो सोनी पल चैनल को दे सकता है या तो फिर कलर रिश्ते चैनल को दे सकता है। इन दोनों चैनल में से किसी एक को वहां पे शिफ्ट कर सकता है। उसके बाद दोस्तों बचता है एक चैनल, तो उसके लिए प्रसार भारती किसी होम चैनल को एमपीजी 4 बॉक्स में शिफ्ट कर सकता है, जिससे कि एक स्लॉट और खाली हो जाएगा, तो उसकी जगह पर सोनी पल या कलर रिश्ते इन दोनों में से किसी एक चैनल को दे सकता है। सो दोस्तों हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि अतरंगी चैनल की जगह पर इन दोनों चैनल में से किसी एक चैनल को शिफ्ट किया जाएगा और दूसरे चैनल के लिए होम चैनल को एमपीजी 4 बॉक्स में शिफ्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से एक स्लॉट और खाली हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये दोनों चैनल शिफ्ट होंगे एमपीजी 2 बॉक्स में। सो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।